अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। मेरे चैनल पे आपका खैर मकदम स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया नुस्खा आप तक पहुँचाता हूँ और आज एक ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ जिस बीमारी में गालिबन 70% लोग आज मुलव्विस नज़र आते हैं और वो इतने परेशान हैं इस चीज़ को लेके। खाते तो हैं लेकिन उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता, उनको पखाना खुलकर नहीं आता, तो इसको लेकर के इतने परेशान हैं। बहुत बहुत महंगी दवाइयाँ, महंगी मेडिसिनें और पता नहीं क्या क्या वो इस्तेमाल करते हैं, फिर भी पेट खुल के नहीं आता। तो आज मैं बहुत छोटा, बहुत सस्ता और ऐसा पावरफुल नुस्खा अपने दोस्तों के लिए लेके आया हूँ, आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे नुस्खे की। तो नाज़रीन, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नुस्खा सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उससे फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, पेट की जो बीमारी है उसको उम्मुल अमराज़ कहा गया है, बीमारियों की अम्मा, बीमारियों की जड़। अगर इंसान का पेट सही नहीं है तो यूँ मान लीजिए कि इंसान खाता तो है लेकिन फिर वो खाने के बाद भी परेशान रहता है और उसको ना कोई दवाई लग पाती है ना उसका कोई दूसरा मर्ज़ ठीक होता है जब तक उसका पेट सही ना हो। तो ये उन भाइयों के लिए ही नुस्खा है जो खाते हैं लेकिन लैट्रीन पखाना उनको खुल के नहीं होता, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका मैदा ख़राब हो चुका है, आंतें खुश्क हो चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा पेट की तरफ से इतने मायूस हो चुके हैं कि उनको कुछ हज़म नहीं होता या फिर पखाना खुल के नहीं आता। अब पेट फूलने लगा है, पेट बढ़ चुका है, सांस की दिक्कत होने लगी है। तो उन भाइयों के लिए ये नुस्खा नहीं बल्कि तीर वहदफ की तरह ये काम करने वाला एक जादुई नुस्खा कह दें तो कोई बेजा ना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ जिन्होंने बड़े बड़े महंगे नुस्खे इस्तेमाल करे हैं फिर भी कुछ ना हुआ। तो मैं तीन चीज़ों पे मुश्तमिल ये नुस्खा आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इसका जो असर देखेंगे एक दो दिन में ही वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। तो जिनको लैट्रीन खुल के नहीं आती, पखाना खुल के नहीं आता, घंटों घंटों हो जाते हैं लैट्रीन में बैठे हुए, तो उनके लिए ये नुस्खा एक अहम नुस्खा है। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं लेकिन मैं पूरा खुल के नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बस शॉर्ट में मुझे वीडियो बनानी है और मैं आपसे ये नुस्खा बताने के बाद बस आपसे रुख्सत होता हूँ। तो नुस्खा नोट कर लें, कुड़तमा 50 ग्राम, इसके आप बीज निकाल लें और जो ऊपर का पोस्त है उसको ले लें, ठीक है, 50 ग्राम ले लें। राई 50 ग्राम, गंधक आमला सार 50 ग्राम। नाज़रीन, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी हैं और इनको अलग अलग बारीक अच्छे से इमाम दस्ते की मदद से आप सफ़ूब बना लें, एक जगह मिला के इनको बिल्कुल न पीसें हरगिज़, बारीक अलग अलग सफ़ूब बनाएं और सफ़ूब बनाने के बाद आप जो है इसको यकजा कर लें, आपस में मिला लें और मिलाने के बाद आप रख लें डब्बे में महफूज करके। अब इसको इस्तेमाल करें सुबह, दोपहर, शाम, एक एक चुटकी खाना खाने के एक घंटा बाद। नाज़रीन, ये एक ऐसा बेमिसाल नुस्खा हो गया कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा और आपकी पेट की तमाम ख़राबियाँ दूर कर देगा और सबसे मेन चीज़ ये है कि पखाना बिल्कुल खुल के आएगा और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, आपको बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसकी कोई वजाहत नहीं की, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए बहुत शॉर्ट में बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये मेरा नुस्खा आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस छोटे नुस्खे को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें और
सब तक पहुंचाएं, किसी का भला हो जाए ये अच्छी बात है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आपको मिले। इंशाल्लाह फिर होगी किसी अगले नुस्खे में, बहुत जल्द आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।